स्वागत है आप सभी का रिनीस गार्डन में। और वीडियो की शुरुआत ही खूबसूरत फ्लावर के साथ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, मानसून स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर भी उत्तराखंड में तीन दिन की बारिश के बाद दोस्तों आज धूप निकल के आई है। तो थोड़ा सा मैं अपने गार्डन में आई हूँ ये देखने के लिए कि अब मैं अपने गार्डन में मानसून की तैयारी कर चुकी हूँ। और धीरे धीरे, क्योंकि गार्डन में काफ़ी काम होता है दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे अपने गार्डन में मानसून की तैयारी कर रही हूँ। तो आपको बताती हूँ कि मैं अपने गार्डन में क्या क्या कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं अपने गार्डन में जो बड़े बड़े प्लांट्स थे दोस्तों, जो बड़े बड़े पौधे थे, मैंने उनको ट्रिम कर दिया है और उनको काट दिया है ऊपर से। और उनकी जो है कटिंग्स भी मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और मतलब ट्राई कर रही हूँ कि उनकी मैं कटिंग्स भी लगा लूँ। तो और उसके साथ ही मैं चेक कर रही हूँ कि किसी भी गमले में कोई भी पानी वानी तो नहीं रुक रहा है, और अगर रुक रहा है तो मैं जो है किसी नुकीली चीज़ की मदद से, पेचकस या कुछ भी ऐसी चीज़ की मदद से उसको जो है ड्रेनेज होल को खोल रही हूँ। अगर कोई भी सड़ी हुई चीज़, कोई पत्तियाँ, कुछ भी ऐसा मटेरियल अगर पॉट में है तो मैं उसको हटा रही हूँ। और धीरे धीरे जो है जो ये प्लांट्स हैं उनके बीच में जो है गैप को भी बढ़ा रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो हमने सबको ऐसे जो था मिक्स करके रख दिया था दोस्तों। लेकिन अब जो है आ गया है बरसात का टाइम और हमको जो है अपने गार्डन को क्लीन रखना है, तो इसलिए जो है मैं प्लांट्स के बीच में गैप बना रही हूँ और उनके बीच में इतना खुली जगह रख रही हूँ कि पानी जो है बहुत अच्छे से जो है निकल सके। ये देखिए, कड़ी पत्ता और ये जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स थे मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी है, और यहाँ से ये करेला बेल जाने के लिए पूरी अच्छी सी जगह हो गई है। आजकल जो है बरसात का टाइम है दोस्तों, और बहुत सारी कटिंग्स हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो कोई भी कटिंग हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, जो भी हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल हैं, या फिर हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए या कहीं, तो कोई अच्छा प्लांट हमें मिलता है तो हम उसकी कटिंग ट्राई करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं घूमने जब जाती हूँ तो मुझे जो भी कोई अच्छे प्लांट मिलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट मिलते हैं, तो उनकी कटिंग मैं अपने गार्डन में ले आती हूँ और उनको लगा देती हूँ, जिससे कि हमें जो है आगे के लिए भी कुछ अच्छे प्लांट्स मिल सके। तो ट्राई करते हैं दोस्तों, सक्सेस होते हैं नहीं होते आगे की बात है, लेकिन ट्राई हमें करते रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कोई कोई प्लांटर हमारे ऐसे हैं जिनमें काई जैसे जम रहा है, तो उसमें हमें ये देखना है कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे काई जैसे जमने का दोस्तों आपको दिख रहा होगा, तो हमें इसका ड्रेनेज होल चेक करना है और नीचे से जो है यहाँ पर मैं कोई नुकीला पेचकस या कोई चीज़ डाल करके हमें ड्रेनेज होल को खोल देना है। तो दोस्तों, बहुत से प्लांट्स मेरे पास ऐसे हैं जो बड़े हैं और जिनका जो है मैं रूट बाउंडिंग की वजह से भी उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ दिखाती हूँ। कुछ बड़े पौधे हैं जो कि बहुत बड़े हो चुके हैं और उनका जो रूट बाउंडिंग हो चुका है दोस्तों, और उनको रिपोर्ट करना भी मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि मिट्टी को पूरा ऊपर तक भर दिया है ताकि इसमें जो है कोई भी बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट ना हो सके और ये जो है बरसात में ख़राब ना हो। और सभी प्लांट्स जैसे कि ये लॉलीपॉप फ्लावर है और कोलियसिस हैं, इनकी मैं नई नई कटिंग्स लगा रही हूँ और नई नई कटिंग्स को मैं जो है आगे के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जब ये प्लांट इनकी जो पत्तियाँ फेड हो जाएंगी तो मुझे सब इनको कट करना पड़ेगा और तब तक जो है नए प्लांट्स मेरे को मिल जाएंगे। और प्लांट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप मैंने कर दिया है, आप देख रहे होंगे कि लास्ट समर में मैंने, अभी समर टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है क्लस्टर किया हुआ था प्लांट्स का, लेकिन अब मैंने जो है अच्छे से खुले खुले सबको रख दिए हैं ताकि पानी जो है अच्छे से निकल सके, अच्छे से जो है वाटर का फ्लो हो सके, गार्डन की सफाई हो सके और कोई भी पेस्ट, कोई भी इंसेक्ट, कीड़े वगैरह उसमें ना पनप सके। तो दोस्तों, बस यही सब मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ। और अपनी जो ये टर्टल वाइन है
और ये तुलसी जी हैं, इन सब की मैंने जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स थे मैंने बहुत अच्छे से इनकी प्रूनिंग कर दी है दोस्तों। और प्रूनिंग करने के बाद जो है अब ये जब इनमें बारिश गिरेगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, नई नई इसमें पत्तियाँ आएंगी और जो पुरानी पत्तियाँ थी वो सब मैंने हटा दी हैं। तो बस दोस्तों कुछ ऐसे ज़रूरी काम मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ, और जितने भी मेरे सकुलेंट्स थे वो मैंने ऐसी जगह रख दिए हैं जहाँ पे उन्हें पानी ना मिले, और जो स्नेक प्लांट्स हैं, डेफिन बेकिया है, वो सब मैंने शेड में रख दिए हैं। स्नेक प्लांट्स ऐसे हैं दोस्तों जिनको मैं शेड में नहीं रख पाई हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि उनमें जो है मैं बहुत सारी मिट्टी को फिल करने वाली हूँ, ऊपर तक फिल करने वाली हूँ, क्योंकि जो स्नेक प्लांट है वो बारिश के मौसम में ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है अगर हम उसमें ऊपर तक मिट्टी भर देंगे, काफ़ी ऊपर तक, तो क्या होगा कि उसमें पानी नहीं ठहरेगा और जो है ये सर्वाइव कर जाएंगे। और इस तरह से मैं अपने गार्डन को फिर से तैयार कर रही हूँ मॉनसून के लिए। सभी जो गमले हैं उनको मैं खिसका रही हूँ, और खिसका के उनकी जो है जगह थोड़ी आगे पीछे कर रही हूँ ताकि उनके नीचे कोई भी पेस्ट वगैरह ना पनप सके। हो सके तो अपने जो जिस गमले में दोस्तों हमारा पानी रुक रहा है उसके नीचे हम ईंट वगैरह कुछ रख सकते हैं, और जिससे कि वो अब उसका जो है होल जो है ऊपर हो जाए, और ईंट रखने से वो जो है उसका होल ऊपर हो जाए, दो ईंट के बीच में हम गमले को रख देंगे तो उससे क्या होगा उसका पानी निकलने में आसानी हो जाएगी। तो बस यही कुछ बातें हैं जो हमें मॉनसून में अपने गार्डन में करनी है, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो बारिश का आनंद ले सके और अच्छी तरह से फल फूल सकें दोस्तों। और जो भी बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी, जो भी बड़ी बड़ी पत्तियों के प्लांट्स थे, वो मैंने सब इस तरह से कट करके गार्डन में जो है एक केओस को कम किया है और एक तरह से हल्का किया है मैंने गार्डन को। और जो ये मेरा डेफन बेकिया का प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरा डेफन बेकिया का प्लांट था वो मैंने इस विंडो के नीचे, यहाँ दो तीन प्लांट हैं तो वो यहाँ पर मैंने शेड में रख दिए हैं। सेंसिवेरिया को भी यहाँ पे इसके साथ रखा है, एलोवेरा भी यहीं पे रख दिया है ताकि यहाँ पे कम बारिश हो और बारिश का पानी कम पड़े। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें मैं कर रही हूँ अपने गार्डन में। और ये रेन लिली की कली है, इतनी सुंदर है, और बस यही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और गार्डन में जो है हमें जो है जो अपने जितने भी गमले हैं और जो भी हैं उनको रेगुलर चेक करते रहना है कि किसी में पानी तो नहीं अटक रहा है, किसी में कोई पत्ती तो नहीं सड़ रही है। अगर वो कोई भी पत्ती ऐसी ख़राब पत्ती जैसे हमें मिल जाती है तो हमें उसे तुरंत हटा लेना है, क्योंकि बरसात में जो होती है ना ये वहीं चिपक जाती है और पूरे जो है गार्डन को, प्लांट को जो है फंगस अटैक होने का डर रहता है। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और बस ये आज मैं यही काम कर रही हूँ अपने गार्डन में। और भी कुछ होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया है। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।